नमस्कार, मैं यतिन वर्मा, राष्ट्रपति रोवर, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल स्काउट गाइड एकेडमी पर। सन 1950 से पहले भारत में स्काउटिंग अलग अलग एसोसिएशन के माध्यम से चलाई जाती थी, जैसे कि बॉय स्काउट्स एसोसिएशन इन इंडिया और द हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन। 7 नवंबर 1950 को सभी को विलय करके एक कर दिया गया और वह कहलाई द भारत स्काउट एंड गाइड्स, और तभी से हम इस दिन को भारत स्काउट गाइड के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हम भारत स्काउट गाइड की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और हर साल की भांति इस वर्ष भी कुछ विशेष एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। इसके उपलक्ष्य में भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय ने 3 नवंबर 2024 से 9 नवंबर 2024 तक स्काउट गाइड वीक मनाने की योजना बनाई है। स्काउट गाइड वीक के हर एक दिन की एक्टिविटीज अलग अलग थीम पर आधारित है। यह थीम क्या रहेगी, इसकी एक्टिविटीज को कैसे किया जाएगा, किस दिन को कैसे मनाया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम सिलसिलेवार डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक एक्शन प्लान गाइड बुकलेट है जिसमें आप देखेंगे कि स्काउट गाइड वीक का प्रत्येक दिन किस प्रकार मनाया जाएगा। Day 1, 3 नवंबर 2024 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी थीम प्रोटेक्टिंग अर्थ प्लैनेट रहेगी। इस दिन की गतिविधियां पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित होगी। इसमें आप निम्न गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण, सफाई अभियान, जागरूकता कार्यशालाएं, नेचर वॉक, पार्कों की सफाई, समुद्र तट की सफाई। इसके अलावा आप वोजम के अर्थ ट्राइब प्रोजेक्ट, क्लैप प्रोजेक्ट और YLSE प्रोजेक्ट में स्काउट्स को शामिल कर सकते हैं और उन्हें पर्यावरण स्थिरता के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। आप एक रिसाइकलिंग अभियान भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप अर्थ ट्राइब प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और डिजिटल बैज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। Day 2, 4 नवंबर 2024 को मेंबरशिप ड्राइव डे एंड वीक के रूप में मनाया जाएगा। इसकी थीम है ग्रोइंग द मूवमेंट। इस दिन और पूरे सप्ताह आप अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को स्काउटिंग गाइडिंग में शामिल करें, ताकि भारत स्काउट गाइड का जो विज़न है कि 75th एनिवर्सरी के दौरान 1 करोड़ युवा सदस्य इस संगठन के सदस्य बने। नए सदस्य को OYMS पोर्टल पर पंजीकृत कराना और अपनी रिपोर्ट में उनकी BSE UID का उल्लेख करना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि अगर कोई UID दोहराया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। इसमें कुछ चरण भी बताए गए हैं कि इस गतिविधि को पूरा करने पर आपको क्या मिलेगा। अगर आप अपनी इकाई में 1 सदस्य को पंजीकृत करते हैं तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर आप अपनी इकाई या जिले में 10 सदस्यों को पंजीकृत करते हैं तो आपको सर्विस स्टार बैज के साथ साथ डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर आप जिले में 32 सदस्यों, जो कि लड़के या लड़कियों की नई इकाई, पंजीकृत करते हैं तो आपको मेंबरशिप हीरो बैज के साथ साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप जिले या राज्य में 320 सदस्य की 10 नई यूनिट रजिस्टर करते हैं तो आपको सर्विस चैंपियन मेडल के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सब उन्हीं को मिलेगा जो इस दिए गए लिंक या QR कोड पर जाकर अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। Day 3, 5 नवंबर 2024 को हेल्थ एंड वेलनेस डे के रूप में मनाया जाएगा और इसकी थीम रहेगी हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। इसमें आप योग, खेल जैसी स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, इसका आयोजन करवा सकते हैं और स्वास्थ्य जांच शिविरों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्काउट गाइड के लिए एक सत्र आयोजित कर सकते हैं जिसमें आप BP6 व्यायाम, योगा, ध्यान, टीम गेम, साइकिलिंग, दौड़ का आयोजन कर सकते हैं। आप मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के रिगार्डिंग और पोषण जैसे विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में अधिक जानने के लिए और डिजिटल बैज प्राप्त करने के लिए इस दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। Day 4, 6 नवंबर 2024 को फंड रेजिंग डे के रूप में मनाया जाएगा और इसकी थीम रहेगी सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। यह दिन फाउंडेशन डे फ्लैग स्टिकर के माध्यम से आंदोलन के विकास के लिए फंड इकट्ठा करने पर केंद्रित होगा। इसमें आप फाउंडेशन डे रैली का आयोजन भी कर सकते हैं, फाउंडेशन डे फ्लैग स्टिकर को प्रमोट कर सकते हैं और दिए गए लिंक पर जाकर
बीएसजी स्काउट शो को भी प्रमोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डे 5 जो कि 7 नवंबर 2024 को फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। इसकी थीम रहेगी टूवर्ड्स 75 ईयर्स ऑफ स्काउटिंग। इस दिन की शुरुआत हम फाउंडेशन डे फंड रेजिंग रैली से कर सकते हैं, जिसके तहत आप फ्लैग स्टिकर्स को पब्लिक में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सिविल सर्वेंट से मिलकर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने यूनिट लेवल, एलए लेवल और डिस्ट्रिक्ट पर सामूहिक कल्चर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही आप ऐसा एक एक्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें स्काउटिंग की शुरुआत से अब तक की स्काउटिंग के अचीवमेंट्स और उसकी ग्रोथ को दिखाया जा सके। इसके अतिरिक्त आप वह सब कार्य कर सकते हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। देन हम आते हैं डे 6 जो कि 8 नवंबर 2024 को कम्युनिटी सर्विस डे के रूप में मनाया जाएगा और इसकी थीम रहेगी सर्विंग आवर कम्युनिटीज। इसमें आप सामुदायिक सेवा परियोजना पर काम कर सकते हैं, जैसे कि वृद्धाश्रम अस्पतालों में सेवा करके। मैसेंजर ऑफ पीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री शील्ड और उपराष्ट्रपति अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और साथ ही आप एक फूड बैंक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें जिनको ज़रूरत है उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्लॉथ बैंक का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को क्लॉथ कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और साथ ही बुक बैंक भी एक कैंपेन चला सकते हैं, जिसके थ्रू आप बुक्स कलेक्ट कर कर जो बच्चों को नीड है उनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके साथ आप अपने लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर, लोकल एसोसिएशन के साथ मिलकर, लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ भी कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं। देन हम आते हैं स्काउट गाइड वीक के फाइनल डे, डे 7 जो कि 9 नवंबर 2024 को एज ए स्किल्स एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी थीम रहेगी एम्पावरिंग यूथ थ्रू इनोवेशन। इस दिन को हम पर्सनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे। इसमें हम वर्कशॉप का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एड, नोटिंग, आउटडोर सर्वाइवल, प्रोफिशिएंसी बैजेस, इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स जैसे कि कोडिंग, रोबोटिक जैसे स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ ही हम एक साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन कर सकते हैं, जो कि बेस्ड रहेगी अपने प्रोफिशिएंसी बैजेस पर। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में भी लोगों को बता सकते हैं। स्काउट गाइड रोवर रेंजर यूनिट के मेंबर्स को आप इसके बारे में उनको नॉलेज दे सकते हैं। देन आप इस वर्कशॉप के अंदर आपके आसपास के ऐसे जो लोग हैं जो कि एक अच्छी स्किल रखते हैं, जिनका बेनिफिट हम अपने स्काउटिंग में ले सकते हैं, उनको भी अपनी वर्कशॉप, अपनी मीटिंग्स में इनवाइट कर उनकी एक टॉक रखवा सकते हैं, जिससे कि प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए कौन सी स्किल ज़रूरी है एक यूथ में, तो उसको एनहेंस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा स्किल फॉर लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और अपने डिजिटल बैच को अर्न करने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। देन हम आते हैं कि इन सब की रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है। आप ये जैसे कि PDF में देख रहे हैं, ये एक लिंक दिया गया और साथ ही QR कोड दिया गया है। जब आप एक्टिविटीज़ कर लें तो आप इस लिंक के थ्रू, इस QR कोड के थ्रू अपनी सभी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट यहाँ सबमिट करें। अगर आप अपने सारी एक्टिविटीज़ जो भी प्रोजेक्ट्स है और उसको सोशल मीडिया पर अगर आप पोस्ट करते हैं, तो उसको #BSDIndia, #ScoutGuideWeek के साथ मेंशन कर जरूर अपलोड करें। और साथ ही अपने सभी प्रोजेक्ट्स को आप sdgs.scout.org पे अपलोड करें।